सभी प्यारे साथियों को नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए दोस्तों भारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। दोस्तों इब अपन यहाँ बात करेंगे अटेंडेंस को लेकर। देखो साथियों, आपको जो अटेंडेंस है ना, 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक आप अपनी अपलोड करवा सकते हैं। देखो दोस्तों, लगभग साथियों ने दिसंबर माह की जो अटेंडेंस है, जैसे भाई जैसे आपकी शीतकालीन छुट्टियाँ पड़ी थी, तो उस समय मैंने आपको ये बताया ताकि जो भाई सरकारी स्कूलों में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमारे युवा साथी अपना दिसंबर माह की अटेंडेंस प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं, ठीक है ना। और लगभग साथियों ने बनवा लिए होंगे। और लेकिन जैसे मान लो जिन साथियों को भाई जैसे पटवारी या सेक्रेटरी या आदि डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे थे, तो वो साथी अपना 1 या 2 दिन में जल्दी से अपना इंटर्नशिप प्रमाण पत्र बनवा के अपनी SSO ID पे साथियों अपलोड कर दे, ठीक है ना, ताकि जो आपकी अटेंडेंस है वो वेरीफाई जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो उसमें कुछ भी नहीं करना है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का ध्यान रखना है, क्रम संख्या का ध्यान रखना है, साइन व मोर है ना, और कितने दिन आप इंटर्नशिप करने के लिए गए। इन 4-5 बातों का दोस्तों ध्यान रख लेना, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और रही बात नवंबर की, जो कुछ साथियों की अभी अटेंडेंस वेरीफाई नहीं हुई है, तो उसकी आप टेंशन नहीं करें। देखो साथियों, कई बार क्या है, पेंडिंग का ऑप्शन आता है ना, पेंडिंग का मतलब यही होता है कि आपकी अटेंडेंस वेरीफाई है, लेकिन वहाँ वेरीफाई का ऑप्शन अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार पुनः सभी साथियों को 2023 नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और आपको इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकाले जल्दी से जल्दी।